वीर जी। डैड, वीर जी, डैड आंखें खोलिए, डैड, डैड, पानी, पानी लो। डैड बिल्कुल ठीक है। डैड प्लीज आंखें खोल। डैड डैड ये सब कैसे हुआ? आप इस दलदल में कैसे गए? ये सब कैसे हुआ डैड, मुझे बताइए प्लीज। उसने किया। डैड किसने किया ये सब? अब बस नाम बताइए, छोड़ूंगा नहीं उसे। किसने? उसने जो है ना वो दिखती नहीं है, जो वो दिखती है वो है नहीं। कौन? वीर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे उसकी, जिसने मुझे। डैड किसने फेंका था, कौन है वो? प्लीज नाम बताइए उसका बॉस। मैंने देखा मेरे साथ किसने किया ये, मुझे दलदल में किसने फेंका, मैंने देखा उसे। तो बताइए ना आपने किसको देखा डैड, बताइए प्लीज। वो कौन? बताता हूँ। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन आ गई हूँ तेरी मौत लेने। ये असुर इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। दीदी यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। होने दो, ये असुर अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा राज सामने आ जाएगा और हम फिर दूसरे असुर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, इससे तो मैं मार डालूंगी, चाहे मुझे बाकी सबको भी मारना पड़े। दीदी हम शिव वरदानी हैं, एक असुर को मारने के लिए हम इतने सारे बेकसूरों की जान नहीं ले सकते। दीदी आपको मेरी कसम। क्यों दी अपनी कसम? आपको गलत करने से रोक रही थी। डैड उसका नाम बताइए। ऋषभ इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ। दीदी उनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। ऋषभ वैसे ही मुझ पर बहुत शक करता है, अगर उसके बाद घर पहुंचे तो और भी शक करेगा। चलो। ये ललित अभी भी बेहोश है, अगर ये होश में आया तो अपना मुंह खोल देगा, तब हम क्या करेंगे? दीदी तभी का तब देख लेंगे, अभी यहाँ से चलो। अनिया, ललित जी को होश आ गया, जाओ बेटा जाकर ऋषभ को बुलाओ। जी हुँ? चाची जी। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में मतलब कि मेरा भी तो कमरा है, यहाँ नहीं रहूंगी तो एक सेकंड गुड, तुम्हारा कमरा, फिर ये परिवार भी तुम्हारा होगा ना, तो पूछोगी नहीं डैड कैसे हैं? वो आपने आते ही कमरे की बात की तो वो मैं पूछने वाली थी, पापा कैसे हैं? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो, कहती कुछ हो करती कुछ हो। भाई जल्दी चलिए, ललित चाचू को होश आ गया और चाची जी आपको बुला रही है।
डैड, डैड आप ठीक तो है ना? ये तो होश में आ गया, अभी सबको सब बता देगा। हे शिव जी, कुछ ऐसा कीजिए कि पूरी बात ही पलट जाए। आपके साथ ये सब किसने किया? अब ये हालत कैसी हुई मुझे बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो लड़की। कौन लड़की? वो लड़की लड़की नहीं, कुछ और थी। परी जैसी लगती थी लेकिन थी नहीं। वो रूप बदलती थी। वो आप आराम कीजिए प्लीज। आप लाली जी क्या कर रहे हैं? उसकी आंखें, कातिलाना आंखें, आंखों से मार सकती थी वो। ललित जी क्या बोल रहे हो? ये क्या कह रहे हैं आप? बेब्स तुम्हारी आंखें, उफ यू वाह। ये वीर जी को क्या हो गया? ये बैडमिंटन खेलते में गिर गया था क्या? सर दर्द से फटा जा रहा है। ऋषभ से बात करनी है जरा, प्लीज बाहर आइए। देखिए, आई थिंक उनके ब्रेन के कोई एक हिस्सा डैमेज हो गया है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। अंकल, अंकल आई ओके? अरे अंकल किसे बोल रहे हो डूड? अरे अंकल तो ये रहे। और आंटी जी? आंटी जी यह घड़ी है। अरे अंकल बोलकर हमारी जवानी पर नजर मत लगाओ डूड। लेकिन डॉक्टर ऐसे कैसे? नॉट टू वरी, थोड़ा वक्त लगेगा बट वो ठीक हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि उन्हें कोई भी स्ट्रेस मत होने दीजिएगा। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बस यही सच मान लीजिए और उन्हें यही लगने दो कि वो सही है। डोंट वरी, विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। वो इंस्पेक्टर विजय बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैम मैं भी आता हूँ। मॉम, वेरी टेंस्ड। चलो अच्छी बात है कि अंकल वापस आ गए ठीक ठाक, लेकिन डैड अभी तक वापस ही नहीं आए और मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ मॉम, उनका लग ही नहीं रहा है। और यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है कि डैड गायब है। क्या बात है, ऐसा कहते हैं कि हर हवेली के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता ही है। I'm sure. इस हवेली के पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज छुपा होगा ही। इंस्पेक्टर सही समझे, इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पहले मेरे डैड का दलदल में मिलना, उनकी हालत आपने खुद अपनी आंखों से देखी राइट? ऊपर से मिनिस्टर अंकल वो भी गायब है। मिनिस्टर अंकल उस लड़की के डैड हैं जिससे मेरी शादी होने वाली थी। बहुत परेशान है वो। अब हम दोनों को लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है? कोई घर से गायब हो जाता है तो कोई जिंदगी से गायब हो जाता है, आखिर ये माजरा क्या भाई? इंस्पेक्टर वो जिंदा है ओके? हम सब उनको हल्दी के फंक्शन में मिले थे। वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर गए थे पर ना तो वो उस मीटिंग तक पहुंच पाए ना ही पार्लियामेंट तक। इंस्पेक्टर वो लड़की, उसके पास ना तो उसके डैड है अभी ना उसका प्यार। क्या बीत रही होगी उस पर? अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओहो तेरा प्यार, क्या बात है।
नहीं नहीं मैं कहता हूँ कम बखत। ये प्यार भी क्या आफत है, मिल जाए तो मुसीबत, ना मिले तो भी मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। हो गया आपका? Very nice. अब उसके डैड को ढूंढने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अरे भाई साहब अब हम आ गए हैं तो ढूंढ भी लेंगे, डोंट वरी रिलैक्स। और हमारे बॉस तो है ही, हमने इन्फॉर्म कर दिया, अपडेट कर दिया है, देखना जो भी पीछे है ना, मतलब जो भी पीछे है इस कांड के वो आगे आके ही रहेगा, देखना। प्रथा, ललित ने हमारा नाम क्यों नहीं बताया? दीदी मैंने अपने देव, अपने शिवजी की शक्ति से उसे सम्मोहित कर दिया था, इसलिए उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। क्या तुमने उसको सम्मोहित कर दिया था? हाँ दीदी, करना ही पड़ा, पर शेष नागिन के सम्मोहन की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए कभी ना कभी उसे सब याद आ जाएगा और हमारा सच भी सबके सामने बाहर आ जाएगा। तो उसे मार देते हैं? नहीं, हम उसे अब मार भी नहीं सकते, ऐसा क्या तो सारे घर वालों को हम पर ही शक होगा। तो क्या करें, अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? ललित जी सब कुछ भूल गए, सिर्फ तू उन्हें कैसे याद रह गए? मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे देखकर आंटी बोल रहे हैं, और तुझे देखकर छी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। हाय बेब्स। उनके और मेरे बीच में क्या था? कुछ नहीं, दोस्त हैं आप। देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या फर्क पड़ता है सीमा, हम क्या थे और क्या नहीं? वैसे भी इस वक्त हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि हम दोस्त नहीं हैं। एंड आई होप कि आगे चल के दुश्मनी भी ना हो। मैं जा रही हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकती। हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, हे नाग नागिनों के देव महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। प्रथा, असुर का अंत करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है, तो शिवजी तुम्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर शिवजी ने तुम्हें चुना है मेरी जगह शेष नागिन के लिए तो उसकी एक वजह है। फिलहाल हमारा निशाना ललित है और मेरी कड़ी नजर है उस पर। वो चार चेहरे जो उस दिन चौपर में उड़े थे, वो जरूर ललित से बात करने की कोशिश करेंगे, हमें सतर्क रहना होगा। दीदी एक बात बताइए, उस दिन जब आप ललित के वो गुप्त कमरे में गए थे जहाँ वो चार चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे, और आपने कहा था कि आपके आने की आहट सुनते ही वो डर के भाग गए, क्या उस गुप्त कमरे में आपको कोई सुराग मिला था? नहीं, मुझे वहाँ कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन फिर मैंने दूसरे कमरे की तलाशी ली और वहाँ मुझे कुछ मिला। तो मुझे एक तिजोरी मिली थी, इंसान का पैसा हो या राज, हमेशा तिजोरी में ही बंद होता है। तो जब मैं वो तिजोरी खोलने गई, वो खुली नहीं, फिर मैंने देखा वो तिजोरी फिंगरप्रिंट से खुलती है। इसका मतलब वो तिजोरी ललित के हाथ की उंगलियों के निशान से ही खुलेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जल्दी घर चलिए दीदी, मेरा दिल कहता है कि हमें उस तिजोरी में ही उन चारों चेहरों का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आपने रास्ता दिखाई दिया शिव जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मॉम, पैकिंग हो गई, चले। चलो उर्वशी मेरी बात तो सुन। कमाल है सीमा, शब्दों के तीर मार मार के जान ले लेगी पर जाने नहीं देगी। मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रुकूंगी। और आंटी, यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है ना, इस घर में हमारी कोई इज्जत है? मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बावजूद आपके रहते हुए इनकी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट मर गई यहाँ पे, और आपने क्या किया? कुछ नहीं। ये कर भी क्या सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, और मैंने डिसाइड कर लिया है दैट आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ। उर्वशी, उर्वशी मेरी बात तो सुन, सुन ना। जा रहे हैं आप? बाहर माहौल ठीक नहीं है,
कहीं जगह कर्फ्यू लगा है, कहीं जगह लॉकडाउन, ऐसे में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और आप अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो मिनिस्टर अंकल आए भी नहीं। एटलीस्ट जब तक वो नहीं आते तब तक तो रुक जाइए। रिम प्लीज रुक जाओ प्लीज। मॉम उर्वशी, रितेश बिल्कुल सही कह रहा है, इस माहौल में तू बाहर जाएगी तो बहुत ही रिस्की है, और वैसे भी ये घर तेरा ही घर है, तो रुक जाना यहाँ। बेटा मैं हूं तेरे साथ। मुझे प्रथा चाहिए और उसे मैं अपनी लाइफ में ला कर रहूंगा। तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऋषभ चाहिए ना रीम। अगर हम दोनों एक हो जाए तो वो जो है ना हमारे, उन दोनों को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। प्लीज यार दीदी, हमें किसी भी तरह वो तिजोरी खोलनी होगी। आप कुछ भी करके किसी भी तरह ललित को कमरे में लेके आओ। तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने अपनी केशली बदली थी और ऋषभ के आने के डर से मैंने जल्दी जल्दी में वो अलमारी में छिपा दी, इससे पहले कि वो किसी और मुझे अलमारी से निकाल के उसे किसी और जगह छिपाना होगा। हाँ ये प्रथा अलमारी से क्या निकाल कर छिपाने की बात कर रही थी। क्या हो गया, तुम इतनी अनकंफर्टेबल? आज सुबह तो तुमने कहा था कि ये कमरा तुम्हारा है, तो कमरे वाला भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। और बाय द वे शादी का लाइसेंस है मेरे पास, तो इतनी झिझक क्यों? हाँ नहीं, मैं कमरे में बस अभी आई थी और ये सब देखा तो थोड़ी सी। ये ऋषभ आखिर चाहता क्या है? तुम्हारा सच पता करना चाहता हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कल रात को पता नहीं हमने कौन सा दूध पी लिया था, दोनों होश में ही नहीं थे। और कल हमारी शादी की पहली रात भी थी। मैं चाहता था कि हमारी पहली रात बहुत स्पेशल रहे, पर खैर छोड़ो, अब मैं तो प्यार करता हूँ ना तुमसे। आई गेस What I want is कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं ना तो हम दोनों होश में रहें। तो क्या बोलती हो, कल की रात को आज की रात बना दें? अभी? हाँ, अब प्यार कभी वक्त देकर थोड़ी होता है, प्यार तो बस एक पल में ही हो जाता है। मॉम ने बुलाया था होली के कपड़ों का ट्रायल करने के लिए, अगर नहीं जाऊंगी तो गुस्सा करेंगे, मुझे जाना होगा। ओके। प्रथा? माँ? प्रथा कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मैं आ रही हूँ, होली आ रही है ना, उसके लिए मैं कपड़े लेकर आई हूँ, ट्रायल लेना था उसका। वो तो अभी चली गई माँ। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उसे कह देना एक बार ट्रायल कर ले, फिट परफेक्ट है या नहीं मुझे बता दे। ठीक है, कपड़े अंदर रख देना। उसने तो कहा था कि मॉम उसे बुला रही है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सॉरी। मैं
लगता है आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है। आप प्लीज कमरे में जाके आराम कीजिए। मेरा दिल है, जब भाई के साथ देखता हूं ना आपको, दुखता है। ये लड़की अभी अंदर इतने भोलेपन का नाटक कर रही थी और अभी बाहर मेरे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये जो कुछ भी हुआ, इसका दिल टूट गया और इस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, देखना ये दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर मेरी फैमिली के साथ कोई ना कोई खेल जरूर खेल रही है। चढ़ी जवानी बुड्ढे नो, चल महक आग लगा दे। मेरा मतलब है रिस्क हुआ, पैर मुड़ गया है मेरा। तुम्हारी बेब्स का पैर टूट गया। अब मैं अपने कमरे में कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना। तुम कैसे ले जाओगे? ऐसे चले स्वीटी, तुम जितनी हो ना उतनी नॉटी भी हो। तुमने तो कहा था तुम एक अपने कमरे में जाना चाहती हो। ये तो डार्क रूम है, अंधेरा है यहाँ पर। इरादा क्या है? तुम्हें मारने का। मेरा मतलब है तुम पर मर मिटने का। ये तो अभी ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ये बिल्ली मुझसे लिपट कैसे सकती है? मेरा गला कैसे घोट सकती है? चिड़िया कैसे? ललित जी, अरे ये ललित जी कहाँ चले गए? ये दवाइयाँ देनी थी उन्हें। ऋषभ बेटा, तूने अपने पापा को कहीं देखा क्या? डैड फिर से गायब हो गए। ये आवाज डार्क रूम से आ रहा है। जल्दी चल सीमा, लगता है कुछ ऊपर है।
जल्दी से इसका अंगूठा तिजोरी पर लगाते हैं। चलो। दीदी आप ही लेके जाइए, मैं ये बंद करके आती हूँ। चलिए। डैड। पुनीत। डैड, डैड क्या हुआ? गॉड ब्लेस जी। डैड आंखें खोलिए प्लीज डैड। उर्वशी ये सब क्या? पुनीत। माई ये लॉकर भी खुला हुआ है। क्या हो क्या रहा है इस घर में? मुझे लगता है किसी ने इनको बेहोश करके ये लॉकर खोला है। मैं कह रही हूँ सीमा, इस घर में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। हे भगवान, लाली जी। भाई साहब, लाली जी आपको हो क्या गया? भाई साहब, विजी। सुनो, वहाँ पानी है, लेके आओ ना। पानी। ललित जी क्या हो गया? अब बेहोश कैसे हो गए? आंटी जी मैं यहाँ नहीं लाया, ये बेब्स मुझे लेकर आई है। मैं? ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मैं तो बाहर थी, अभी अभी तो तुम्हारे साथ आई हूँ मैं अंदर। सीमा, ये अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, ये रूप बदलते रहती है। कभी बिल्ली, कभी चिड़िया, कभी सांप। अरे सांप बनकर मुझे मारने की कोशिश की। कहीं भाई साहब की दिमागी हालत तो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो पुनीत, पहले इन्हें यहाँ से उठाओ, उनके कमरे में ले चलते। आइए ललित जी। भाई साहब ने मेरे लिए ये सब क्यों कहा? यहाँ कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा सिवा भाई साहब के। यहाँ इस घर में कोई बहुत बड़ा राज है। डाडियां बेहोश और ये लॉकर ऐसे कैसे खुला हुआ है? किसने खोला होगा? और क्या था इसमें जो कोई ले गया? यहाँ इस डार्क रूम में आखिर हुआ क्या? डैड जो कह रहे थे वो सब उनका भ्रम था या उन्होंने सच में कुछ देखा? ये दिया इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है? किसका इंतजार कर रही है? मैं जाके पूछती हूँ। हाय, ये क्या कर रहे हो? अब नहीं, मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, कोई देख लेगा। दिया के साथ ये लड़का कौन है जो उसे ऐसे गोद में उठा रहा है? मैं जाके देखना चाहिए नहीं, पर मेरा इस वक्त दीदी को मिलना ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं सुन रहे तुम मेरी? प्लीज मुझे उतारो ना। तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। You wanna have drinks? Have it? मैं नहीं पीती। नहीं,
ऐसे मत करो, कोई देख लेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे। मैंने कहा था ना कि ये सब हम शादी के बाद। अरे अकेले कमरे में जाके बातें तो कर सकते हैं ना। चलो चलो, सोचो मत। सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? अरे हमें भी साथ में ले चलो तो रात बन जाए। देखिए देखिए प्लीज, हमें जाने दीजिए। अरे जान दे दो जाने मन, मगर जाने की बात मत करो। हाँ तो ठीक है, ये सब्जी का थैला ले लो और चलो। थैला नहीं लैला, तुम तो हाथ दे दो, हम तो हाथ भी पकड़ लेंगे। मैम कमाल हो आप, मतलब आप ऑफ ड्यूटी में होकर भी ऑन ड्यूटी का काम कर रही हो, वाह, मतलब सलाम। ओए अकेले उठ, सीधा लॉकअप, एक रात गुजारोगे ना वहां पे, सारी अकल ठिकाने में जाएगी। चलो चल, चलो चलो, आउट आउट आउट। मैम गुजराल हाउस से एक अर्जेंट केस है, वहां जाना पड़ेगा। ये टिप्पा, इसमें कैद संगीत, इसका सुरों से क्या संबंध है? कोई सुराग या कोई रास्ता हो तो पता करें, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो ये डिब्बा हमारे किस काम का? इंस्पेक्टर विजय ने मुझे केस के बारे में सब कुछ बता दिया, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिस्टर गुजराल, आपको कुछ याद है कि लॉकर किसने खोला था या फिर आपसे किसने खुलवाया था? मैंने बता तो दिया, वो एक नहीं, एक नहीं, एक में अनेक थी, वो एक जादूगरनी थी, हमारे घर में एक जादूगरनी घूम रही है। आप एक काम कीजिए, मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर है ना, नींबू मिर्ची लगा दीजिए, फिर वो अंदर नहीं आएगी। मिस्टर गुजराल प्लीज ट्राई टू फोकस, मुझे बताइए कि लॉकर के अंदर क्या था? कोई कीमती सामान? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था, लॉकर खाली था। कोई तो तरीका होगा ललित से इंफॉर्मेशन निकालने का। प्रातः तुम अपने रूम में जाओ, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो शक हो जाएगा। हाँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। तेरे घर में बहुत कुछ हो रहा है सीमा, सच बोल रही हूँ। तेरा घर अब वो पहले जैसा घर नहीं रहा। जब से वो प्रथा इस घर में आई है तब से कोई ना कोई पनौती लगी रहती है, दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है। देखना, वो लड़की प्रथा जिसे हम जानते तक नहीं थे तेरे घर में काम करने आ गई, एंड टू टॉप इट ऑफ तुम्हारे बेटे से शादी भी हो गई उसकी। तुझे दिखता नहीं है क्या कि तुझे देखना नहीं है? जब से वो लड़की प्रथा आई है तब से रोज कोई ना कोई एक तूफान खड़ा होता है इस घर में, और कोई छोटा मोटा तूफान नहीं, बड़े बड़े तूफान आते हैं। एक्सक्यूज मी, वो लड़की प्रथा ना वो बहुत ही घटिया है, सच कह रही हूँ। मिसेज उर्वशी किसी भी लड़की के बारे में जब बात करें तो थोड़ी इज्जत से करिए, क्या है ना मेरा सिंपल सा रूल है, इज्जत दीजिए इज्जत लीजिए। मैं चलता हूँ। मिस्टर गुजराल रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन आई वॉन्ट टू। ऑफिसर प्लीज अभी प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रथा का हाथ है। यही मौका है, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ उसने क्या राज छिपा के रखा है अलमारी में। ये लड़की तो देखो सीजन, देखने में कितनी भोली है ना, लेकिन अंदर से ना इसकी कहानी कुछ और है। अंदर से ये बहुत बड़ी जिगर वाली है, स्पाई बन के देश को बचाने निकली है। ये सेजल और अपना ऋषभ दोनों सेम सेम है ना, दोनों देशभक्त। लेकिन एक बात तो है जनरल वाली, आजकल की लड़कियों को किसी से कम मत समझना। हाँ मतलब दिखने में बहुत भोली भाली होती है लेकिन अंदर से ना बंदूक की गोली होती है। ये आप क्या कह रही हो चाची? सच्ची तो कह रही हूँ और क्या।
कहीं हमारी प्रथा कुछ सच निकालने इस घर में बहू बनकर तो नहीं आई है क्या? चाची आप भी ना बहुत ओटीटी हो, हैं? ओवर द टॉप। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए, एक बार शादी तो हो जान दो। ये सही नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? निकालो फोन, रिकॉर्डिंग डिलीट करो अभी, छोड़ो, रिकॉर्डिंग डिलीट करो अभी। वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बनाया हॉटी, वैसे भी ये वीडियो तुम्हारे किस काम का? ये वीडियो तो हमारे काम का है, डार्क वेब पे सेल करेंगे, ये थोड़े पैसे कमाएंगे, तुम भी कमा सकते हो, बस थोड़ा कोऑपरेट कर लो। छोड़ो मुझे। लॉकडाउन में तुम्हारी जॉब तो किसी काम की रहेगी नहीं, ओवरनाइट रिच हो जाओगी तुम, और फिर केटर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला रिकॉर्डिंग डिलीट करो। मैं भी तो देखूं इस प्रथा ने कौन सा राज छिपा के रखा है इस कबाड़ में। ये है क्या? यक, ऐसे लगता है जैसे किसी ने सूखा निचोड़ा हुआ कपड़ा छिपा रखा है। पर ये है क्या चीज? पता करती हूँ। व्हाट? ये तो किसी जानवर की चमड़ी है। पर जानवर की चमड़ी क्यों छिपा रखी है इसने? किसी जानवर को मार के आई है और फिर उसकी चमड़ी छिपाई है, या फिर ये खुद कोई जानवर है? इस लड़की का कोई तो राज है जो मुझे सबके सामने लाके खोलना है। जिस लड़की ने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम उर्वशी नहीं, इस लड़की का असली चेहरा मैं सबके सामने लाके रखूंगी।